वैसे तो दोस्तों एक बार फिर से आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बीटा वर्जन क्या होता है। जी हां दोस्तों, बीटा वर्जन, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे एप्लीकेशन का बीटा वर्जन आपने सुना होगा, जैसे कि व्हाट्सएप का बीटा वर्जन या फिर दोस्तों फेसबुक का बीटा वर्जन, इंस्टाग्राम का बीटा वर्जन। तो आखिर ये बीटा वर्जन होता क्या है एंड किस तरह से दोस्तों हम लोग बीटा वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किस तरह से हम लोग बीटा वर्जन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। एंड अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप जानना चाहते हो बीटा वर्जन के बारे में, तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, सीधा चलता हूँ वीडियो पे एंड वीडियो को करता हूँ फटाक से स्टार्ट। वैसे दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा दोस्तों, जब भी कोई एप्लीकेशन पे नया अपडेट आता है, सपोज दैट व्हाट्सएप पे अगर कोई नया अपडेट आने वाला है, तो दोस्तों उस समय आपको ये सुनने को जरूर मिलता होगा कि फिलहाल अभी व्हाट्सएप के बीटा वर्जन पे ये अपडेट आ चुका है एंड कुछ दिन बाद ऑफिशियली रोल आउट कर दिया जाएगा सभी एप्लीकेशन पे। तो आखिर ये बीटा वर्जन क्या है? तो बीटा वर्जन के बारे में बताऊं तो दोस्तों बीटा वर्जन को आप मान सकते हो एक ये एक्सपेरिमेंट वर्जन है या फिर एक दोस्तों ये ट्रायल वर्जन है, ऐसा आप समझ सकते हो। बिकॉज दोस्तों जब भी किसी भी एप्लीकेशन पे नया फीचर्स को ऐड किया जाता है या फिर दोस्तों न्यू कोई अपडेट लाया जाता है, सबसे पहले दोस्तों उस फीचर्स के बारे में चेक किया जाता है कि अगर हम इस फीचर को ऐड करते हैं अपने एप्लीकेशन पे या फिर एप्लीकेशन में अगर हम ये फीचर्स डालते हैं तो क्या पब्लिक को ये फीचर्स पसंद आएगी या फिर ये जो फीचर्स हम डाल रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों व्हाट्सएप या फिर किसी का एप्लीकेशन का दोस्तों बीटा वर्जन बनाया जाता है। जैसे कि सपोज दैट दोस्तों व्हाट्सएप का बीटा वर्जन की बात कर लेते हो, तो व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में दोस्तों ऑलरेडी से बहुत सारे मेंबर्स हैं, हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि दोस्तों ऑलरेडी से व्हाट्सएप का बीटा वर्जन को ज्वाइन करके रखे हैं। एंड जब भी कोई अपडेट को रोल आउट किया जाता है, सबसे पहले बीटा वर्जन पे ही दोस्तों हमें यहाँ पे वो फीचर्स देखने को मिलता है। एंड वहां से जैसे ही हम लोग यूज करते हैं, जिस तरह से दोस्तों हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन के उस फीचर्स को, तो वहां से दोस्तों एनालाइज किया जाता है कि जो फीचर हम लोग ऐड करने वाले हैं सब सारे व्हाट्सएप में, तो वहीं से एनालाइज हो जाता है कि उस फीचर को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा या फिर नहीं। अगर दोस्तों वहां से अच्छा लगता है कि हाँ ये फीचर्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आगे भी हमें इस फीचर को डालना चाहिए सभी एप्लीकेशन पे, तो वहीं से दोस्तों डिसीजन लिया जाता है एनालाइज करके। तो सिंपली से आप ये समझ जाओ कि ये जो बीटा वर्जन होता है किसी भी एप्लीकेशन का, व्हाट्सएप का बात कर ले, फेसबुक का बात कर ले, ट्विटर का बात करें, तो बीटा वर्जन सभी एप्लीकेशन का होता है एंड वो एक ट्रायल वर्जन है एंड वो दोस्तों एक एक्सपेरिमेंटल वर्जन है। एंड अब बात करें दोस्तों किस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, तो बीटा वर्जन कोई एप्लीकेशन नहीं है एंड आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। सिंपली दोस्तों आपको उसे ज्वाइन करना रहता है। एंड बीटा वर्जन दोस्तों जिस एप्लीकेशन में आप यूज कर रहे हो अभी, तो अलग से भी कोई एप्लीकेशन नहीं आता है बीटा वर्जन का। दोस्तों जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उसी में दोस्तों बस आपको बीटा वर्जन को ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन किस तरह से कर सकते हो वो मैं अभी आपको लाइव ले चलता हूँ अपने फोन के होम स्क्रीन पे एंड बता दूं दोस्तों आप किस तरह से किसी भी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों तो सिंपली से आप लोग आज को मेरे फोन के होम स्क्रीन पे, चलिए अब नेक्स्ट बताता हूँ दोस्तों किस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना होगा एंड गूगल को ओपन करके बाद दोस्तों आपको सर्च बार में जाना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि किस एप्लीकेशन का आप यहाँ बीटा वर्जन को ज्वाइन करना चाहते हो। सपोज दैट दोस्तों मैं यहाँ पे फेसबुक का करना चाहता हूँ, तो सिंपली से दोस्तों आपको सर्च बार में लिखना होगा फेसबुक बीटा। जैसे ही दोस्तों आप फेसबुक बीटा लिख देते हो, आपको यहाँ से सर्च करना होगा एंड सर्च करने का दोस्तों यहाँ पे सीधा आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड स्क्रॉल करके नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बीटा टेस्टर। यहाँ पे दोस्तों प्ले स्टोर की तरफ से मिलेगा, दोस्तों गूगल की तरफ से देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का। तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है एंड जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगी एंड नीचे दोस्तों आपको एक बटन देखने को मिलेगी बिकम ए टेस्टर। जैसे ही दोस्तों आप बिकम ए टेस्टर पे यहाँ पे क्लिक करते हो एंड इंस्टेंट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो वेलकम टू टेस्टिंग प्रोग्राम। तो आप दोस्तों फेसबुक का बीटा वर्जन के साथ ज्वाइन हो चुके हो एंड फ्यूचर में जब भी दोस्तों कोई भी अपडेट आने वाला रहेगा फ्यूचर में, तो सबसे पहले दोस्तों आपको फेसबुक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों आप सिंपली से जिस भी एप्लीकेशन का यहाँ पे बीटा वर्जन ज्वाइन करना चाहते हो सिंपली से गूगल पे आपको लिख देना है। जैसे कि एक और दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप बीटा, सिंपली से व्हाट्सएप बीटा सर्च करना है एंड सेम दोस्तों आपको कुछ इस तरह का व्हाट्सएप बीटा देखने को मिलेगा गूगल प्ले की तरफ से। सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद सिंपल से फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई जाएगा बिकम ए टेस्टर, सिंपली से इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप दोस्तों व्हाट्सएप का जो यहाँ पे बीटा वर्जन ज्वाइन हो चुके हो। तो दोस्तों इसी तरह से आसानी से आप किसी भी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन को ज्वाइन कर सकते हो एंड जब भी कोई अपडेट आएगा फीचर में, तो सबसे पहले दोस्तों आपको आपके एप्लीकेशन पे एज ए टेस्टिंग दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों आई होप कि आज के इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने सीख लिया होगा कि दोस्तों आप लोगों ने जान लिया होगा कि आखिर ये बीटा वर्जन क्या चीज़ है, किसी भी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन क्या चीज़ है एंड किस तरह से दोस्तों हम लोग बीटा वर्जन को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई नया अपडेट या फिर नया फीचर्स एप्लीकेशन पे आए तो सबसे पहले हम लोग को यूज करने को मिले। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज दोस्तों इस चैनल पे आपको इसी तरह के यूजफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट हमेशा मिलते रहती है एंड आगे भी दोस्तों फ्यूचर में आपको इसी तरह के हेल्पफुल एंड यूजफुल कंटेंट मिलते रहेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।